मंत्र और साधना की शक्ति हासिल करने के इरादे से सगी बहन गुड़िया देवी की बलि चढ़ा देने की गुनाहगार उसकी बहन और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहन ललिता देवी और बहनोई दिनेश उरांव ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया, इस बिंदु पर पुलिस जाँच कर रही है। वहीं जिस पड़ोसी के घर में गुड़िया की बलि चढ़ाई गयी, उस घर के मालिक राम शरण को भी पकड़ लिया गया है। गुड़िया की जीव काट ली गई थी और उसके अतड़ी और यूट्रस पेशाब के रास्ते बेरहमी से खींच लिया गया था। गुड़िया की बलि उसके पति मुन्ना उरांव के सामने दी गई थी। पुलिस ने पति को भी अरेस्ट कर लिया है। वहीं मौका वारदात पर मौजूद गुनाहगारों का साथ देने वाले सुरजी कुंवर, कुंदन उरांव और सूरज उरांव को भी उठाकर थाना लाया गया है। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार लोगों में पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया है कि ललिता और उसके पति घर बनाना चाहते थे। गुड़िया घर बनाने में कांटा बनी हुई थी, जिस कारण एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। इस कांड के चश्मदीद गवाह देवरानी उषा देवी ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि यह सब उसकी आंखों के सामने हुआ। वो पड़ोसी रामशरण उरांव के घर नहीं जा रही थी, लेकिन उसकी जेठानी गुड़िया देवी जबरन उसे और उसके पति शंभु उरांव को भी ले गई। वहां जाने पर उसकी जेठानी खेलने लगी और उस पर भी खेलने के लिए जोर दिया गया। जब उसने कहा कि उसे कोई भूत प्रेत नहीं लगा है, तो उसकी जेठानी ने उसे बांस के डंडे से मारा। उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। जब होश में आई तो देखा कि उसकी जेठानी के जीव को बाहर खींच कर निकाला और काट दिया। पेशाब के रास्ते में हाथ डालकर अतड़ी और यूट्रस भी बाहर निकाल दिया। जेठानी तड़प तड़प कर मर गई। उसे बलि चढ़ा दिया गया। दिखावे के लिए जेठानी को रंका ले गया और जला दिया। उषा देवी का इल्जाम है कि जब उसने जोरदार विरोध किया तो उसे भी खूब मारा पीटा गया। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं उषा ने कहा कि जेठ मुन्ना उरांव के सामने ही उनकी पत्नी गुड़िया की बलि चढ़ा दी गई। पति मुन्ना उरांव ने कल बताया था कि उसके पड़ोसी रामशरण उरांव उर्फ गोटा के घर पर एक हफ्ता पहले दिलेली गांव में रहने वाले उसके साड़ू दिनेश उरांव और उसकी पत्नी ललिता देवी दोनों आए थे। इसी दौरान तंत्र मंत्र के लिए ललिता ने अपनी बहन गुड़िया देवी और बहनोई मुन्ना उरांव को सपरिवार रामशरण उरांव उर्फ गोटा के घर पर बुलाया। 3-4 दिन लगातार तंत्र मंत्र साधना करने के बाद बीते मंगलवार की सुबह सास, पति, देवर और देवरानी के आंखों के सामने बहन और बहनोई आदि ने मिलकर गुड़िया देवी की जीव काट दी। इतने में मन नहीं भरा तो उसके प्राइवेट पार्ट से अतड़ी खींच ली गई। बाद में उसकी सगी बहन मर गई। गुड़िया को लेकर अपने मायके रंका चली गई, वहीं उसे जला दिया। इस वारदात के बाद से गांव में दहशत है। एसडीपीओ प्रमोद केशरी और थानेदार योगेंद्र कुमार की देखरेख में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है।